हमारी लड़की भी है, मेरा लड़का एक पैसा जमा कर गए था, इसको 4 साल पहले 2015 में लड़के को कुछ उनकी उल्टी की तकलीफ हुई थी, जब वहाँ के डॉक्टर साहब ने इधर सुभाष नंदा ने लिखा रेफर किया चीज हॉस्पिटल में, तो यहाँ पे आने की गर्ल चाचा ने ऑपरेशन किया, उसके बाद 4 साल तक हमारे एकदम अच्छे गुजरे। 4 साल के बाद अभी मतलब मार्च महीने में उसको तकलीफ होने लगी, तब नंदुरबार में हमने लगभग 3 जून तक नंदुरबार में ट्रीटमेंट की। इधर ट्रीटमेंट होने के बाद जब फर्क नहीं पड़ा तकलीफ ज़्यादा हुई, उसके बाद ट्रीटमेंट के लिए यहाँ पे रेफर किया नंदुरबार के पास आने के बाद हमको सब सीटी स्कैन वगैरह सब किया। उसके बाद स्मीमर में उसका और एक दूरबीन का ऑपरेशन किया, 9 तारीख को छुट्टी मिली यहाँ से। उसके बाद वापस 13 तारीख को उसको वापस उल्टी हुई थोड़ी खून की, उसके बाद वहाँ पे ट्रीटमेंट ली 1 हफ्ता। उसके बाद 20 तारीख को 1 कप से ज़्यादा खून की उल्टी हुई, उसके बाद वहाँ से हमको इधर नंदवानी सर धवल सर के पास रेफर किया। यहाँ पे आने के बाद धवल सर ने सब सीटी एंजियो मार्गल हॉस्पिटल में करने लगा, फिर इधर एंडोस्कोपी किए, उसके बाद इधर उसको ऑपरेशन करना पड़े, पैंक्रियाज में स्टोन और कुछ पेट में खून की गांठ हुई ये सब बता रहे थे, तो उसको ऑपरेशन सर्जरी करना ही पड़ेगा ऐसा बोले। वो हिसाब से यहाँ पे हमने की उसकी 25 तारीख को, उसके बाद से हम लगभग 3 तारीख तक एडमिट रहे। हमारे को यहाँ के पूरे स्टाफ ने सब पूरा स्टाफ बोले तो सिक्योरिटी गार्ड डॉक्टर साहब नर्स लोग और डॉक्टर साहब सब लोगों ने हमको बहुत अच्छी वार्मअप दी, इसलिए हम सबके धन्यवाद मानते हैं। उसको अच्छा फील लग रहा है, वो भी बहुत खुश। उसके बाद हम खुद हर एक को बोलते हैं कि किसको कुछ भी प्रॉब्लम रहा था यही धवल सर को भी बहुत उनके बहुत आभारी है। ननवानी सर प्रजापति सर सब ने हमको बहुत अच्छे से प्रॉब्लम दी, हमको हर बात का समाधान कल से ज़्यादा हम नंदुरबार से ज़्यादा जाते हैं सिटी में भी। हमारी इच्छा है कि भविष्य में भी हमको ऐसा ही सरकारी दर्शन मिले, ऐसा। धन्यवाद।